कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इस जानलेवा वायरस के कारण अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 3000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इधर कोरोना वायरस ने भारत के केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में दस्तक दे दी है। हालांकि राज्य सहित केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चार राज्यों में कोरोना वायरस के कई मरीज मिले हैं, जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। महाराष्ट्र के बाद जयपुर में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। वहीं बिहार में भी एक लड़की के इसकी चपेट में होने की आशंका है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की चीन से पढ़ाई करके लौटी है। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार यादव ने बताया कि चीन में न्यूरो साइंस में PhD करने वाली छात्रा 22 जनवरी को छपरा लौटी थी। तबियत खराब होने पर उसे आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया। छपरा में इस वायरस की जांच की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए अब उसे पटना लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के 4 जिलों में चीन से 18 लोग लौटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 7 हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में 26 जनवरी तक 137 उड़ानों से आए 29,000 से अधिक यात्रियों की जांच की गई है, लेकिन अब तक एक भी मामला सकारात्मक नहीं पाया गया। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि 137 उड़ानों के 29,707 यात्रियों की जांच की गई। मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि नेपाल में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि होने के मद्देनजर भारत ने नेपाल की सीमा से सटे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।